मैं थोड़ा सा जबान फिसल कर जाऊंगा, बुरा लगे किसी को तो प्लीज मुझे चेक करें, ये कौन लोग हैं? ये तो हमारे लोग हैं ना, 90% कन्वर्ट किए गए, डीएनए चेक करा लो आप इनका। जो मुस्लिम आबादी है 90% कन्वर्टेड है, बहस कर ले मुझसे कोई बैठ करके, डीएनए टेस्ट कराइएगा तो सब मिलेंगे, शूद्र भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, और अगर आप उनकी हरकतें देख लीजिएगा तो वो मिक्स हो गई हैं, है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये सच है। 90% जो है वो डीएनए, और जो उधर से आया था वो चाहे अरब से चला हो और चाहे वो कहीं खाड़ी से आया हो, मिक्स तो हो गया ना। अब भोलापन भी लिए हुए हैं, सादगी भी लिए हुए हैं, भोलेपन की इंतिया खत्म है कि जुमे को तैयार होकर नमाज पढ़ने थे, मैं भी नमाज पढ़ता हूं जुमे को, ऐसा थोड़ा ना कि मैं जाके जरूरी कि मैं मस्जिद पढ़ूं, क्योंकि मस्जिद जो है इस्लाम के हिसाब से होली श्राइन नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेंटर है जहां पर आप इकट्ठा होते हैं जुमे के दिन, क्योंकि मोहम्मद साहब ने एक बनाई थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, जिसको सऊदी अरब ने तोड़ दिया है, अपनी बना ली अलग, उनकी जो कब्र थी उसको भी खत्म कर दिया है, वो लोग मानते नहीं सब चीज़ को। तो इन लोगों को जब सरवन देते थे कहा नहा धो के आया करो, तुम तो बदबूदार हो, नहाते नहीं थे 6-6 महीने तक के अरबी, और मुसलमान हो गए थे, नहीं नहाते थे। तो भाई एक जुमे के दिन फिक्स कर दिया गया कि आप लोग नहा धो के आया करो, हम सरवन देंगे, वो ट्रेडिशन आज भी चली जा रही जुमे के नहाने की। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इस्लाम की, मैं जहालत की बात कर रहा हूं, मतलब कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, कुछ हो जाए हम नहीं बदलेंगे, ये काहे की जिद है, जिद है कि किस बात की कि नहीं बदलेंगे, क्योंकि डीएनए है, उसको नहीं आप बदल सकते हैं, कुछ वहां से भी आया हुआ है, डीएनए टेस्ट करा लो, जो वहां से आया है परसेंटेज निकाल दिए, जो वहां से आया है वही नारे लगाते हैं, उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा ना, वो मैं प्रोग्राम करके आया हूँ वहाँ पर जेएनयू के अंदर, पुष्पन जी भी थे उस दिन वहाँ पर, तो कश्मीरी निकल निकल के जाने लगे जब डीएनए की बात करो। भाई आज तो साइंस बहुत एडवांस हो गई ना, अब हम तो खानदान अंदर की बात नहीं करते, डीएनए की बात करते हैं। भाई जिद की आदत तुम्हारी वहाँ से पड़ी हुई है, क्योंकि ये वो लोग वो हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। करबला का मैदान हुआ, शिया लोग मनाते हैं, अगर कुछ जानता हो इन्फॉर्मेशन, लखनऊ में तो बहुत होता है, तो उनको शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं था वहाँ पर, मुसलमान थे, पूरे उनके खानदान को तबाह कर दिया, उनकी बेटी को मार दिया, उनके दामाद को मार दिया, और कहे का इस्लाम, किस बात का इस्लाम, यानी आपकी प्रैक्टिस रॉन्ग है, आप फैमिली को नहीं मानेंगे आप उनकी। तो जो भोले लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट करा लिए इसमें, तो 90% के अंदर मुसलमानों में जहालत के साथ साथ मैं जो ये बात कर रहा हूँ डीएनए में कहीं आ रहा हूँ, वो ये है कि उसमें भोले मिलेंगे तो वो हमारे अपने लोग हैं, हमें तो ब्रेन वॉश की ज़रूरत है, बड़े भोले हैं आप, देखिए जितना मुसलमान जाहिल है उतना ही भोला भी है, अच्छे भले स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब वो जो जा रहे हैं, अभी पुष्पेंद्र जी में जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वहाँ से निकल निकल के जा रहे हैं, कश्मीर पहुँच रहे हैं, केरला से जा रहे हैं, कर्नल साहब ने भी बात कही है, मुसलमान हैं, भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बाद में इनको फिदाइन बनाया जाएगा, इनकी बॉडी के ऊपर बेल्ट लगाई जाएगी, बॉम्ब लगाया जाएगा, भीड़ में भेज दिया जाएगा, अल्लाह अकबर करे धमाका कर दो, अरे भोलापन है। तो ब्रेन वॉश हम भी इनका कर सकते हैं, अगर वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं तो हम भी ब्रेन वॉश इनका कर सकते हैं, हम वो फिदाइन बनाते हैं, हम उनको देशभक्त बना सकते हैं, चक्कर ये है कि हम उसे जान नहीं छुड़ा सकते भैया, 17 करोड़ है, हम अपने लोगों से युद्ध कर रहे हैं, हम लोग अपने लोगों से युद्ध कर रहे हैं, वो है जो दुश्मन हमें नजर नहीं आता सामने होता है, मुझे मारने के लिए पूरे शहर में ढूंढा गया है, मुझे पूरे यूपी में मुझे छानबीन की गई, और मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, मैंने ही 2003 के अंदर मैंने कॉन्क्लेव भी किया था जब अटल जी की सरकार थी कि सभी उपहार जाके मस्जिद बना लो और आप मंदिर हिंदुओं को दे दो,
क्या प्रॉब्लम है भाई? जब आप की मस्जिद शरा कहती है इस्लाम के अंदर कि आप झगड़े की जगह पर या किसी इमारत बनी को तोड़ करके, जैसे मैं अपनी घर को दान दे दूं, साहब मस्जिद बना लो, नहीं बन सकती है, क्योंकि मस्जिद सिर्फ वर्जिन लैंड पर बन सकती है, खेत में बन सकती है, डेजर्ट में बन सकती है, जिस धरती का इस्तेमाल ना किया गया हो उस पर बन सकती है, जिसका धरती इस्तेमाल हो गया हो चाहे घर क्यों ना हो किसी का, अरे वो तो मंदिर था और सबको मालूम तोड़ा था, तो वह नमाज तुम्हारी जायज नहीं, तो कहा धर्म तुम्हारा ईमान। और यह बात सच है कि हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हिंदुओं के अंदर, आप, मैं पढ़ता रहता हूं, काफी पढ़ता रहता हूं, आप देख लीजिए कि जितना यहां पर कहते नहीं, हम लोग पेशेंस है, हम लोगों के अंदर हिंदुस्तानियों में पेशेंस है, जंग के बारे में कर्नल साहब से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, 71 में भी हमने पेशेंस से काम लिया है, 65 में भी लिया है, हमला उन्होंने किया, हमने कभी नहीं किया है, और इतिहास हमारे हमले कभी नहीं हुए, हमने डिफेंसिव वॉर किया हमेशा, वो हमारा जो आधा युद्ध चल रहा है अभी भी डिफेंसिव चल रहा है, ऑफेंसिव तो हुआ नहीं, और जिस दिन ऑफेंसिव कर बैठेंगे तो क्या होगा, तब हा हल्ला मचाना शुरू हो जाएगा। जब मुसलमान बात करता है जिस टाइम कि साहब वो फलाने हैं और वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, अतिवादी, दुनिया भर की बातें करते ना, अरबों में कौन हिंदू है, पाकिस्तान में कौन हिंदू है, वहां कत्लेआम हो रहा है, सबसे ज्यादा वहीं मरते हैं, इराक में कितने हिंदू हैं भाई, सीरिया में कितने, वही डीएनए की बात आती है कि आपके अंदर है, मारकाट करके आप रिलीजन चलाना चाहेंगे, ऐसे रिलीजन नहीं चलता है। और कुरान को बिल्कुल ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, कुरान 70% कुरान जो है होली गीता है, बढ़ा दीजिए मैं उसको ट्रांसलेट करके दूंगा, एक एक सूरा 70%, थोड़ी सी एक बात और है, मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी उनसे उम्र बहुत बड़ी थी, और वो अरबियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी ट्रेडर थी, वो हजरत खदीजा कहते हैं उनको, और हर जगह जिक्र है, हदीसों में जिक्र है, हर जगह आता है, वैश्य लोग जाते थे अदन के रास्ते से मसाले लेकर के और वहां रुकते थे मदीना के अंदर, और गुफ्तगू होती थी, और मोहम्मद साहब उनको खजूर और पानी देते थे क्योंकि वो लोग शाकाहारी थे। हमारे के सरपंच को पढ़ा जाता है, जिहादियों ने, वहाबियों ने इस पोर्शन को कट कर दिया, हमारे कम्युनिटी में पढ़ाया जाता है सब चीज़ों को। अभी एक मजेदार बात और बताऊंगा आपको, तो जब जाते थे तो 6-6 महीने का रास्ता होता था साहब, ये इंफॉर्मेशन के लिए आप सब स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, 6 महीने का अपना सामान छोड़ के आते थे, और पिछले 6 महीने पहले जो सामान दे गए थे उससे अशरफी लेकर वापस आते थे अदन, अदन से जहाज़ों के रास्ते ये भारत आते थे। अभी भी अदन में वैश्य बरादरी काफ़ी रहती है, अरबी वैश्य हैं वो। छः महीने का उधारी देकर आते थे, 6 महीने का, और हजरत खदीजा बैठ के हिसाब करवाती थी। अब सोचिए, ट्रेडर के कोरियर होते थे, उनका काम ही था ऊंट को पर लाना ले आना, 2-2 महीने का सफ़र करते थे, और इनका सामान दमिश्क, जिसको दमिश्क कहते हैं, वहाँ जाता था, करबला जैसे इराक में वहाँ जाता था, सारे अरब में उनका जाता था, फिर बाद में उनके ही कोरियर जाते थे, एक लेकर के दूसरा पैसा लेकर आ रहा, ये चलता रहता ऊँटों का काफिला। तो मैं एक जगह बोल रहा था, उधारी किसकी थी, हमने कहा अरबों तो सारी जिंदगी उधारी तो हमारे हिंदुस्तान की खाई यार, मैं कुछ कह रहा हूं, 6 महीने की उधारी, 2 दिन की उधारी, उधारी तो पूरे अरब को दिए, हिंदुस्तान नहीं दिए, हिंदुस्तान के ही लोग गए थे, भारत के लोग गए थे, अभी भी कदम में भी उनके रूट्स हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, जब करबला मैदान में इनके नवासे को मोहम्मद साहब के शहीद किया जा रहा था, 72 शहीद हुए थे उसमें, 3 दिन उनको भूखा प्यासा रखा गया, गर्मी थी काफी शिद्दत की, तो हुसैन वो भी होली मैन थे, उनको ये हुआ कि भैया हम तो खत्म हो रहे हैं, और यजीद की जो फौज है, यजीद सब वहाबी थे, ये सब ये जब घेरा इनके, इनको चारों तरफ से,
एक एक बच्चा, उनका 6 महीने बच्चे को तीर से मारा, पानी नहीं दिया, 3 दिन पानी बंद कर दिया, काफी डेजर्ट में मतलब गर्मी बहुत थी। जब देखा कि एक एक करके सब उनके शहीद होते जा रहे हैं, खेमों के अंदर, तंबू के अंदर, बोलते हैं ना टेंट के अंदर उनकी फैमिलीज थी, कुछ बीमार भी थे, कुछ घायल थे, तो उन्होंने एक आवाज आसमान की तरफ बहुत ये उसमें बेबस हो गए, तो हाथ उठा कर कर उन्होंने कहा हल मिन नासरीन यंसुरना, अरबी में कहा हल मिन नासरीन यंसुरना, है कोई जो हमारी हिफाजत को आए, हल मिन नासरीन यंसुरना, ये सिर्फ शिया कहता है कोई दुनिया में जो हमारी हिफाजत के लिए आए। ये आवाज कहां तक पहुंची होगी आपको अंदाजा नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो शहादत हो गई। शहादत से पहले इनके बेटे इमाम हुसैन के, उन्होंने अपने घुड़सवार को, जवान थे 16 साल के, अपने मौसेरे भाई को चिट्ठी लिखी कि हमारी मदद करो। वो घुड़सवार निकला करबला के मैदान से, वो भारत आ रहा था, और हल मिन यासरीन यंसुरना की आवाज गूंजती रही और सब शहीद हो गए। जब मैसेज मिला वो चित्तौड़गढ़ था, इमाम हुसैन की जो वाइफ उनकी बड़ी बहन राणा चित्तौड़गढ़ को भी आई हुई थी, शियों का रिश्ता इसलिए है आप लोगों से सर। उसके बाद जब मैसेज मिला उस घुड़सवार को आने में कितना समय लगा, ये किताबों में नहीं है, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन उसको दबाया जाता है। बुला करके एक टुकड़ी फौजियों की तैयार की गई घुड़सवारों की, कहा कि घुड़सवार ही जा पाएंगे, ऊँट नहीं जा पाएंगे, ऊँट बहुत कम थे और जंग में ऊँट नहीं लड़ते थे, हाथी घोड़े होते थे। और वो दौर था चंद्रगुप्त का। जब निकली ये फौजें यहां से तो उसको लीड कर रहे थे रेहब दत्त, ब्राह्मण थे जो सर, रेहब दत्त थे। और इतिहास कहता है, हमारे यहां किताबों में है, हमारे हदीसों में है, जिस रफ्तार से वो घोड़े रेगिस्तान के मैदान में गए, इतिहास में इतनी तेज कभी घोड़सवारी रेत की कभी देखी नहीं गई जो हिंदुस्तानी फौजें जा रही थी। करबला के मैदान में पहुंची तो उनकी शहादत हुए काफी समय बीत गया था। रेहब दत्त उतरे घोड़े से, हमारे यहाँ जब रोते, आप कभी कोई शियों के सरमन उसको जरूर सुनिएगा, उसमें जिक्र आता है, उतर के उनका हुसैन हमने आने में हमको देर हो गई, हुसैन हमको आने में देर हो गई, और बहुत सारे वहां जंग लड़ी इन लोगों ने, दमिश्क में जाकर यजीद से जंग लड़ी, बहुत फौज को इन्होंने मारा काटा। ये सब सेंसर होगा, आपको नहीं मिलेगा उधर अरब से, हमारे यहाँ है हदीसों सब में। खैर वो हो गया, वहाँ पे बहुत से बच गए जिनको अभी भी हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, कश्मीर में भी हुसैनी ब्राह्मण हैं, और हमारे बहुत टॉप के लोग जो हैं पॉलिटिशियन हैं वो भी हुसैनी ब्राह्मण हैं, दो चार फौजी भी हैं हुसैनी ब्राह्मण हैं। हमारे रिश्ते तो हुसैन ने बनाए थे, हम इसलिए मुल्क के वफादार हैं। अब यहाँ पर हम नौजवानों की कुछ बात कर लें, ये तो हो गया हमारी इतिहास से सब बातें। मेरा एक वर्जन था, मैं स्ट्रगलर हूँ लाइफ के अंदर, मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं थोड़ा सा मोटिवेशन का सर, मैं मेरे फादर डेथ हुए, मैं 5 साल का था, मेरी माँ डॉक्टर थी, और जब मैं टीनेजर हुआ तो मम्मी मेरे रिटायर हो गई, लखनऊ में रहते थे, और उस ज़माने में क्लिनिक नहीं चलती तो घर चलाना बहुत मुश्किल था। मैंने साइकिल से ट्रेनिंग करी, 4 साल मैं साइकिल से मौसी एयरपोर्ट गया, स्कॉलरशिप से मुझको फ्लाइंग मिल गई थी, एयर स्क्वाडन एनसीसी थे,